हेलो फ्रेंड्स, हेलो वेलकम चाचा बैक टू बेटा। माय चैनल। आज के सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया था। आप सब इसी के वीडियो लिए के साथ साथ बने बने रहिए, रहिए। क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही चाचा खास महत्वपूर्ण निजी को बताने समझाने वाला। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस समय मैं कोलकाता मार्केट में आ गया है, जो होलसेल मार्केट है। और यह मार्केट सिर्फ कोलकाता भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का यह सबसे बड़ा मार्केट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मटिया ब्रुज जो होलसेल रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, जिसमें आपको सभी तरह का कपड़ा वगैरह मिलता है। ए से जेड की तरह के होल सेल रेट में सारे कपड़ा मिलेगा रेडीमेड का। साड़ी छोड़कर यहाँ सभी तरह का कपड़ा मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। और इस समय मैं कोलकाता का जो होल सेल मार्केट जो मटिया ब्रिज है, वहाँ पर आ गया हूँ। मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मार्केट्स में मैं कोई डिजाइन कलर में माल नहीं दिखा रहा हूँ, आइटम नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ कि बहुत बड़ा मार्केट है, जो पूरे मार्केट में 2 से 3 दिन आप घूमते हैं तो घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि तो बहुत बड़ा मार्केट है। और इस वीडियो में आप देखेंगे, समझेंगे कि यह मार्केट का टाइम क्या है, किस किस दिन मार्केट खुलता है। तो खास करके मैं आप सभी के लिए यही वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत लोग नए लोग हैं, उनको यह आइडिया नहीं है कि मटिया ब्रिज का टाइमिंग क्या है, कब से कब तक खुलता है, किस मैं किस दिन निकल रहा खुलता हूँ। है। तो उसके विषय में बहुत लोगों की जानकारी नहीं रहती, कैसे यहाँ आना है ये भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, कहाँ पर है यह बहुत लोगों को आइडिया नहीं है। तो इसी के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं बहुत सारे हाट का मार्केट का वीडियो बना के डाल दिया हूँ, जींस का हो, शर्ट का हो, कपड़ा का हो, लेगिंग का हो, छोटे हो, बड़े हो, गर्ल्स बॉयज सभी का मैं वीडियो बना कर डाल दिया हूँ, जो कपड़ा मिलता है। अब देख सकते हैं जैसे सब्जी मार्केट का जो हाट बाज़ार लगता है, उस ढंग से यहाँ बहुत भीड़ है। और देख फ्रेंड्स, ये मार्केट के खुलने का टाइमिंग के विषय में आपको बता दूँ कि मटिया ब्रिज जब मार्केट खुलता है, जिसका टाइम क्या है, किस किस दिन, सप्ताह में 7 दिन होते तो कितने दिन खुलता है, इसका टाइमिंग वगैरह क्या है, सुबह से लेकर शाम तक का टाइमिंग क्या है, तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये सप्ताह में 2 दिन लगता है, केवल 2 दिन। ये हम ऐसा मार्केट जो केवल 2 दिन लगता है और 5 दिन बंद रहता है। वैसे तो जनरल शॉप वगैरह खुली रहती है, लेकिन इस ढंग से जो कपड़े में की जो भीड़ देख रहे हैं, ऐसी भीड़ आप कभी देख सकते हैं। अभी हम हाथ है, इसका भी मैंने वीडियो बना के मैं स्पेशल डाल दिया हूँ। मैं मार्केट से, मैं अंदर से, मैं अब बाहर की ओर मैं निकल रहा हूँ। स्टेशन मुझे जाना है, हावड़ा स्टेशन जाना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना बड़ा मार्केट है। यह सप्ताह में 2 दिन खुलता है, रविवार और शनिवार को खुलता है। किस किस दिन? तो रविवार और शनिवार के 2 दिन मार्केट खुलता है, 5 दिन बंद रहता है। और इसका टाइमिंग है सुबह 4 बजे मॉर्निंग से, यानी कि भोर से, सुबह से लेकर शाम 7 बजे, इवनिंग 7 o'clock तक यह मार्केट खुला रहता है। इसके बाद बंद हो जाता है। बहुत भीड़ है, देख सकते कितने वगैरह है, किस तरह का कपड़ा चाहिए देख सकते हैं। बहुत सारे लोग, टैक्सी वगैरह है, जो लोग कपड़ा वगैरह लेकर स्टेशन जा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट में डाल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपने अपने मेल का डिजाइन का पसंद कर रहे हैं। तो इस ढंग से आपने देखा फ्रेंड से किस किस दिन खुलता है। तो शनिवार और रविवार को दिन यह मार्केट खुलता है, और सुबह 4 बजे भोर से लेकर शाम 7 बजे शाम तक ये मार्केट खुला रहता है। इस ढंग से टाइमिंग वगैरह है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट का मैं वीडियो आपको टाइम टू टाइम लेकर आता रहूँगा। देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो पसंद किए माल, देखते रोड पर दोनों किनारे भीड़ लगी हुई, लंबा चौड़ा भीड़ है। देख सकते कितनी भीड़ है, मैं आपको कितना देखाऊँ अंदर में, और सारे मार्केट को नहीं देखा पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी भी है, 3:45 में मेरी गाड़ी भी है, तो मुझे स्टेशन पर बिफोर पहुँचना है। तो मैं आपको मैं दिखा दे रहा, देख सकते ट्रांसपोर्ट के कितने सारे माल, देख सकते हैं जो मुठिया, देख सकते हैं सब्जी मार्केट की तरह, देख सकते कैसे बाजार लगता है। तो आप यहाँ आकर खरीद सकते हो, जीन्स हो, शर्ट हो, पैंट हो, सारी चीज़ आप खरीद सकते हो, वो भी हॉल से रेट में बहुत ही सस्ते। देख सकते ट्रांसपोर्ट का, ये कोलकाता का हॉल से रेडीमेड कपड़ा मार्केट का नज़ारा है, दृश्य देख सकते हैं। यहाँ देश विदेश के कस्टमर आते हैं, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ से कपड़ा खरीद के ले जाते हैं। तो अगर आप भी आते हैं फ्रेंड, तो आप बहुत ही सस्ते रेटों में मटिया ब्रिज हॉल से रेडीमेड कपड़ा मार्केट से खरीद सकते। देखिए लुंगी गमछा का देख सकते कितना बड़ा रेंज है, आप लुंगी गमछा भी यहाँ खरीद सकते हैं, तौलिया हर तरह, सिर्फ यहाँ साड़ी छोड़कर सभी तरह के कपड़ा खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ा हाथ है, जैसे एडियम हाथ है, जब्बर हाथ है, क्वालिटी हाथ है, बहुत सारा हाथ है, बंगला हाथ है, बहुत तरह का हाथ है, जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते रेटों में, महंगे रेटों में, हाई लो मिडिल क्वालिटी के कपड़ा खरीद सकते हैं। हर कलर डिजाइन में, छोटे बड़े,
किड्स बियर से लेकर बड़े तक का फ्री सर्विस देख सकते लोड कैसे लोग कस्टमर लोग खिला पर ही पसंद कर रहे हैं। बहुत यहाँ सस्ते में कपड़ा मिलता है, तो आप यहाँ आते हैं तो सस्ते रेट में खरीद, देख सकते टैक्सी वगैरह में कैसे माल वगैरह पैक कर दिया गया है और लेके जा रहे हैं, देख सकते ट्रांसपोर्ट में कितना सारा माल लगा हुआ है और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाता है। आप माल खरीदारी कर लीजिए और पैकिंग करा कर ट्रांसपोर्ट को भेज दीजिए। मैं यहाँ के कुछ लोगों का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जिनसे संपर्क करके आप सारी चीज़ों की विषय में जानकारी ले सकते हैं। और जो हाथ है ये सबसे अलग हट कर है, सबसे बड़ा मार्केट है, तो फ्रेंड्स आप सब में रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। बहुत बड़ा मार्केट में आप कितना देखाऊँ समझाऊँ, इतना बड़ा मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आपको कोलकाता मटिया बुरुज हॉल से रेडीमेड कपड़ा मार्केट मिलेगा और यहाँ में गर्ल्स का लेडीज का एक से एक में फैंसी डिजाइन वाला कपड़ा मैं आपको डाल दिया, देख सकते हो सब्जी मार्केट भी है, देख सकते हो इनसे है। और मैं आगे निकलता है, अगर आप शहर के विभिन्न सारे हिस्सों से अब आना चाहते हैं मटिया ब्रिज में कैसे आएंगे, तो आप सिर्फ आप धर्मतल्ला आइए, कहीं से आपको बोलिएगा हमको मटिया ब्रिज नंबर बस किसी से पूछिए कितने नंबर की बस जाती है, आप उसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि विभिन्न सारी जगहों से अलग अलग नंबर की बस आती है। देख सकते मैं आपको आगे ले चलता हूँ जहाँ से थाना है मटिया ब्रिज थाना है, वहाँ से आप गाड़ी पकड़ कर विभिन्न सारी जगहों पर जा सकते हैं। तो इसी ढंग से देखते रहे वीडियो को, वीडियो से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मटिया ब्रिज थाना आकर यहाँ से मैं हावड़ा के लिए बस पकड़ रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट को बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।